क्या आपने कभी सोचा है प्लास्टिक बोतल से किस तरह से फैशन, घर के टेक्सटाइल और इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक मजबूत मटेरियल बन सकता है? वेलकम टू टेक्सटाइल सेक्टर बाय व्हाइट सैंड फैब्रिक्स डे 3 ऑफ डे 365। चलिए इस पॉलिस्टर फैब्रिक की हैरतअंगेज कहानी को साथ में एक्सप्लोर करें। पॉलिस्टर फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर है, ये पेट्रोकेमिकल सोर्सेज से बनता है। इसके रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में टेरेफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है, जो कि क्रूड ऑयल में यूज होता है। इन दोनों को मिलाकर पीईटी बना लेते हैं, जिसे फिर प्रोसेस करके पॉलिस्टर फाइबर बनता है। इसे 1940 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन कंपनी ड्यूपोंट ने पीईटी को इंट्रोड्यूस किया, जो पॉलिएस्टर फाइबर की एक फॉर्म है। 1950 में इसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करती और 1960s में इसे कपड़ों में तब्दील कर दिया। 1970s से 1980s तक इसे कैजुअल वेयर और एक्टिव वेयर के इस्तेमाल किया जाने लगा। 1990s से अब तक पॉलिएस्टर फाइबर का इस्तेमाल आज तक हो रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी ने इसकी प्रॉपर्टीज को और मजीद बेहतर कर दिया है। मोस्ट पॉलिएस्टर फाइबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर चाइना, इंडिया, यूएस, ताइवान, इंडोनेशिया और थाईलैंड। पॉलिएस्टर फाइबर से आप डिफरेंट किस्म के फैब्रिक्स बना सकते हैं, जिसमें पॉलिएस्टर ऑर्गेंजा, पॉलिएस्टर शिफॉन, पॉलिएस्टर ग्रेप, रॉ सिल्क एक्सेट्रा। कुछ भी बना लें, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी होंगे, जैसे वो ड्यूरेबल होगा, रिंकल रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा आयरनिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी एज कम्पेयर टू कॉटन फैब्रिक, ड्राई हो जाता है पॉलिएस्टर फैब्रिक, कलर रिटेंशन होता है पॉली फैब्रिक पर हुआ कलर ज्यादा जल्दी फेड नहीं होता। इसी तरह इस फाइबर में वर्सेटिलिटी होता है, पॉली यार्न को आप किसी भी दूसरे यार्न, कॉटन, विस्कोस के साथ ब्लेंड करके कोई नया फैब्रिक भी बना सकते हैं। ये फैब्रिक क्लॉथिंग में यूज हो रहा है, इसी तरह होम टेक्सटाइल में बेडशीट, कर्टन, अपहोल्स्ट्री, इसी तरह फिर आउटडोर एप्लीकेशन में टेंट्स, ऑनिंग्स, फाइबर फिलिंग एंड इंसुलेशन भी हो रही है पिलोज, कुशंस और कंफर्टर्स में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बेल्ट, रोप्स और सेफ्टी बेल्ट्स बन रही है। पैकेजिंग में भी ये फाइबर यूज होता है, इसी तरह जियो टेक्सटाइल।